पुलिस द्वारा एक आरोपी की पिटाई की गई है। ऐसा आरोप शहर के एक नागरिक नासिर ने लगाया। इस दौरान उनका कहना था कि सेंट्रल जेल से जुड़ी कई शिकायतें उनके पास आई थी, जहां लोगों ने शिकायत की कि सेंट्रल जेल में आरोपियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। अगर उन्होंने ज्यादा खाना भी मांगा तो उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता है। वही उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में एक आरोपी को 15-20 पुलिस कर्मचारियों द्वारा पूरी तरह से मारा गया। वही इस दौरान उन्होंने मांग की कि अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत शिकायत दर्ज करें। साथ ही बताया कि पुलिस में इस बारे में उन्होंने शिकायत दर्ज की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुद्दा ऐसा है कि 4-5 दिन पहले मैं जेल की तरफ में गया था, तो काफ़ी लोगों से वहाँ पर मिला। जाने के बाद मेरे कुछ काम से तो वहाँ पर 2-1 लोग की शिकायत मेरे ऑफिस में आई थी कि ऐसा ऐसा है करके नासिर भाई, वहाँ पे कैदियों को बराबर खाना नहीं दिया जाता, बराबर कुछ नहीं, और खाने के नाम से अगर एक्स्ट्रा की डिमांड करते हैं कैदी लोग तो उनको खाने के बजाय गाली सुनना मिलता है। ये है जेल प्रशासन का रवैया। अभी हाल ही में मेरे को अभी कुछ सुनने में आया कि कोई आरोपी है शोएब नामक का, उसके ऊपर में भी कोई वाद विवाद लेके हुआ कुछ पुलिस वालों को लेके, तो वो वाद विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस वालों ने मिल के सब बोलते 10 से 15 लोग थे बोलते उसके अंदर में शोएब खान है उसकी हेड इंजरी से लेके ऐसा डंडे मार के कुर्सियाँ तोड़ के और डंडे ऐसा पैरों पे मार के वो सब पूरी समझ लो पैर की हड्डी जो है लेफ्ट साइड की टूट गई। देखिए सबसे एक चीज़ शस्त्र बोलने से देखो कैसा रहता है, जुडिशियल कस्टडी है। जुडिशियल कस्टडी के अंदर में कोई भी अगर कैदी आता है तो सबसे पहले उसका पूरा शरीर अंग जो है जाँच किया जाता है, इवन पूरे कपड़े जो है वो चेक किए जाते हैं, और वहाँ पे शूज़ नहीं चलता, वहाँ पर सिर्फ स्लीपर चप्पल चलती है, तो शस्त्र का तो सवाल ही नहीं उठता। अब ये कई मनगढ़ंत कहानी जेल प्रशासन के जो पुलिस वाले ये कहीं ना कहीं मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है। और मारने की रही बात, जो आपको ऐसा है अभिषेक जी जो आपको सुनने में आया कि मारे, अगर पुलिस वाले को शोएब खान मारता सपोज, तो पुलिस वालों ने अपनी MLC क्यों नहीं कराए, MLC कराए कि फिर शोएब खान के ऊपर में गुनाह दाखिल क्यों ना करे। यही बात मैंने प्रेस वालों को भी बताया, यही बात मैंने बताया, चलो ठीक है पेशावर आरोपी है, मैं मानता हूँ कि पेशावर है, लेकिन जब ऐसी ही एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, इब्राहिम नामक लड़के को जो ताजाबाद शरीफ में रहता है सगदरा थाना आता है वो, जब उसको भी मारे थे, उसका जब 307 हुआ था तो नीलेश भरने साहब के पास में मैच गया था, वो भी पेशावर आरोपी था, उसके ऊपर भी कई 307 के गुना दाखिल थे। तो प्रोविज़न है, अगर मंडल साहब समाज अगर सुधरने का मौका दे रहा है उसको तो पुलिस प्रशासन क्यों नहीं। तो फिर मेरे को नीलेश भरने साहब ने बताया था DCP साहब ने कि संविधान में इसका प्रोविज़न है, इसका प्रोविज़न दिया गया, अगर कोई आरोपी सुधारना चाहता है तो क्राइम के ऊपर नियंत्रण भी होगा और क्राइम कम भी होगा। ये मेरा कहने का मतलब है अभिषेक जी कि ये सब जो है मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है पुलिस द्वारा। अगर शोएब खान उनके ऊपर हमला करता, जो आप जो शस्त्र से बता रहे ये सब उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए ये बेबुनियाद है। आपको किस तरीके से मीडिया को गुमराह कर रहे पुलिस वाले या कैसी आपको न्यूज़ आ रही है ये मुझे नहीं मालूम। हमारी यही मांग है कि अटेम्प्ट टू मर्डर, हड्डी पूरी टूटी हुई है कहीं ना कहीं, और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पुलिस सकादराम अपना पुलिस दंतुली में गए थे कंप्लेंट लिखाने, पुलिस वालों ने कंप्लेंट नहीं लिए, 154 का इसके अंदर में वायलेंस हुआ जो अपने आप में एक निंदनीय है कि सिविया पुलिस ये नहीं बोल सकती कि हम कंप्लेंट नहीं ले सकती, वो चाहे वो संज्ञेय अपराध रहे या असंज्ञेय अपराध रहे पुलिस ये नहीं बोल सकती हम कंप्लेंट नहीं ले सकते। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, इन्वेस्टिगेशन में आपने डालना था, इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए आपने सबसे पहली बात कंप्लेंट ही नहीं लिए। हमारी सिर्फ यही मांग है NGO से कि भैया जो अन्य अत्याचार अपना जुडिशियल कस्टडी में हो रहे हैं पुलिस द्वारा ये रुकना चाहिए, और जो तरीके से नियम है जेल प्रशासन के जुडिशियल कस्टडी के वो पूरे पुलिस वालों ने फॉलो करना चाहिए, और खाने को लेके ये सब वाद विवाद नहीं होना चाहिए, गाली नहीं पकना चाहिए, और सुरक्षा की दायित्व की जुडिशियल कस्टडी की जवाबदारी है, वहाँ के जेलर जवाबदेह है, इसके बाद से दोबारा ऐसी कोई शिकायत नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम लोग आए समय आने वाले वक्त के अंदर में आर्टिकल 226 के तहत में सीधा हम लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और हमको संविधान कोर्ट पर पूरा भरोसा है उसके अंदर में हमको इंसाफ मिलेगा, और 307 का गुना पुलिस के ऊपर में 307 का गुना दाखिल होना चाहिए, यह हमारी मांग है। सबसे पहली चीज़ मेडिकल में उनका अभी भी उपचार चल रहा है, मैं चाहूँगा अभिषेक जी जी BCN के माध्यम से आप मेडिकल के जो डॉक्टर जो जिनका उपचार चल रहा है शोएब का आप वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं, MLC की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, और जिसका जीता जागता सबूत है
कि उसकी पूरी लेफ्ट साइड की हड्डी जो है वो टूट गई है, इसका जीता सकता सबूत है, इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज पुलिस के ऊपर में लगना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि अंदर में जब इंसान लॉकअप में या कुछ ऐसी कस्टडी है उनके पास में, जहाँ उनको बुला के वहाँ पे आरोपियों को मारा जाता है, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं रहता। और रही बात टूटने का, एक बहुत अच्छा प्रश्न करे आपने कि कैसा, किससे कैसा मारे, तो कोई जानबूझ के आरोपी अपना पैर नहीं तोड़ेगा। सबसे पहली चीज़ खुद जानबूझ के नहीं तोड़ेगा, कहीं ना कहीं तोड़ने का रीज़न तो है। एक तो डंडा, डंडे से हाथ से हड्डी कभी नहीं टूटती, हाथ से कभी हड्डी नहीं टूटती पैरों की। सबसे पहले कहीं ना कहीं डंडा तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पुलिस के पास में डंडा ही रहता है, ये समझ के चलिए। उसका विशेष कारण ही डंडा है, कुर्सी का पार्ट है तो हेड इंजुरी है उनको। आप उसके अंदर में आप डॉक्टर से मिलिए, और मिलने के बाद में आप उनसे भी एक बाइट लीजिए, आपको एमएलसी की रिपोर्ट में पूरा विस्तार से उसकी डिटेल मिल जाएंगी। खाने के ऊपर से वाद विवाद हुआ बोलते, खाने के ऊपर से मजूरी ही थोड़ा एक्स्ट्रा खाना मांगे बोलते, इसके ऊपर से वाद विवाद है। साले तेको नहीं देते हम लोग खाना, चल चल बैठे रहे सड़ते रहे, जितना दे रहे उतना ही लो, ज़्यादा कि हमको हिसाब बताना नहीं, ये रवैया है। और ये रवैया सेम मैंने बाजू वाले को भी पूछा जो मुलाकात डालने आए हुए थे, दो तीन लोग बिल्कुल सही बोल रहे, बोले सर ये रवैया हमारे बेटे के साथ में भी ये घटना घटी है। उनको गालियाँ दे रहे, बोले गालियाँ बकने के नाम से एक्स्ट्रा जो कुछ उल्टे सीधे काम भी बोले वहाँ पर कराते हैं, हाँ एक्स्ट्रा काम कराते हैं, और इस तरीके से गाली बकते हैं जो हम लोग सुने, यानी हम लोग भी खुद सुन नहीं सकते, बोले इस तरीके से गालियाँ बकते। ये रवैया है पुलिस प्रशासन का अपने कैदियों के साथ में, ये उसका विशेष कारण है। सुनी सुनाई नहीं है, जो प्रैक्टिकल लोगों के साथ में हो रहा है। कई आप, अगर मैं आपको हवाला दूँ तो पिछले दिनों के अंदर में भी कई उइके नाम का एक नामक आरोपी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, मेरे हिसाब से 2012 या 13 की बात है, जेल से छूटने के बाद में वो तो सजा रहता था, उसके बाद में कैसा रवैया उसने आप बीती पूरी जेल प्रशासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से रखा और उजागर किया कि भैया ये रवैया है जेल प्रशासन में, मेरे साथ में खुद हुआ, खुद पीड़ित है। ऐसे कई हवाले यूट्यूब के ऊपर में है, नागपुर जो रबता कायम थे सजा जो सौदा जो अपना सजा के फौलादी, कई ऐसे पीड़ित है जो आपको यूट्यूब के अंदर में नागपुर शहर के कैदियों से आपको जानकारी मिल जाएगी।